नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी गौड़ और पेश है राजस्थान शाम की 7 बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले यदि आपने एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजस्थान में कोविड संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रदेश में एडवांस प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है और इसी के मद्देनजर आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में आवश्यकता के अनुसार 500 या 1000 बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि इन दिनों लगभग 70% पॉजिटिव केसेस या तो हल्के लक्षण या लक्षण ही नहीं पाए जा रहे और ऐसे केसेस की देखभाल के लिए प्रत्येक जिले में कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इस बारे में विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शुरुआत 30,000 बेड से की जाएगी और फिर जरूरत के अनुसार इसे 50,000 बेड तक पहुंचाया जा सकता है। राजस्थान उत्तर पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष कोविड-19 के लिए दिया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने मंगलवार को 5,43,07,413 रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष के लिए भेंट किया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिसकर्मियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 54 जड़ी बूटियों से तैयार लगभग 51 लाख रुपए की कीमत की 17,000 काढ़े की बोतल भेंट की गई। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम अशोक गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय अजय पाल लांबा ने कंपनी के MD यशवीर सिंह को सामाजिक सरोकारों की दिशा में कार्य करते हुए पुलिस कार्मिकों से इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए विशेष तौर से तैयार महासुदर्शन क्लॉथ काढ़े की बोतल निशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद दिया। कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनर डॉक्टर संदीप यादव ने काढ़े को उपयोग में लेने की विधि के बारे में भी उन्हें बताया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील के शेरपुरा गांव में 24 वर्षीय प्रवासी मजदूर को 14 दिन पृथक वास की अनिवार्य अवधि, गांव के बाहर खेत के एक पेड़ पर मचान के ऊपर अस्थायी रूप से बनाए गए बसेरे में रहकर काटनी पड़ी। कोरोना वायरस संकट से चलते पिछले माह 16 अप्रैल को लॉकडाउन समय में ही वृद्धि के बाद कमलेश अजमेर जिले के किशनगढ़ से 200 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा जिले के अपने गाँव पैदल चलकर पहुंचा था। भीलवाड़ा जिले के कांदा गांव में दो भाइयों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार पहले एक भाई ने कुएं में कूदकर जान दी और इस घटना की जानकारी मिलने पर दूसरा भाई भी कुएं में कूद गया और उसकी भी मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को कुएं से बाहर निकाला। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन 3 आरंभ हो गया है। यह लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि देखा गया है कि कल अनेक स्थानों पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था और यह दुखद एवं चिंता का विषय है। राज्यपाल मिश्र ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि लोग सभी नियमों का पालन करें और सामाजिक दूरी को बनाए रखें। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अलवर शाखा ने मंगलवार को जयपुर डिस्कॉम के शहर खंड अलवर में कार्यरत अधिशासी अभियंता और तकनीकी सहायक को बिल पास करने की एवज में 69,400 रुपए की रिश्वत कथित तौर पर लेते हुए गिरफ्तार किया। अलवर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उप पुलिस अधीक्षक सलेह मोहम्मद ने बताया कि आरोपी अधिशासी अभियंता KL सैन और तकनीकी सहायक बंटी सैनी ने परिवादी साई इलेक्ट्रिकल से बिल पास करने की एवज में 69,400 रुपए रिश्वत के रूप में मांग की थी। उन्होंने बताया कि परिवादी से बिल पास करने की एवज में आरोपी अधिशासी अभियंता KL सैनी के लिए 60,300 रुपए और तकनीकी सहायक बंटी सैनी ने स्वयं के लिए 9,100 रुपए की मांग की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर मिलते हैं बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।